हिजाब बुरखा पहने ये विदेशी महिला ने चाकू से एक टैक्सी ड्राइवर पर हमला कर दिया है। देश में जहां एक तरफ हिजाब पर बहस छिड़ी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम में हैरान कर देने वाला ये तस्वीर सामने आया है। ये विदेशी महिला पर आरोप है कि इसने एक रघुराज नाम के टैक्सी ड्राइवर पर चाकू से हमला किया है और भागने लगी, मगर मौके पर मौजूद PCR वैन ने इसका पीछा किया और इस महिला को पकड़ लिया गया। ये विदेशी महिला ने महिला पुलिसकर्मी के साथ उलझ गई, जिसका जवाब महिला पुलिसकर्मी ने भी खुद दिया। चाकू से हमला कर ड्राइवर को ये महिला घायल की थी। ड्राइवर ने बताया कि उससे पूछा कि आखिर वो कहाँ जाने वाली है, लेकिन इस महिला ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा। तो इस बार मैंने बैठा रखी थी अनिल बिहार की, ये पीछे से आई थी, मुझे लगा कहीं जाने के लिए पूछेगी, तो इधर उधर देखा ऐसे, मैं क्या काम है, चाकू मारा भाग गई। अच्छा। कुछ नहीं, पीछे से आई थी, इधर उधर देखा, मेरी तरफ देखा और ऐसे देख कर चाकू मार भाग गई। गाड़ी में तो मैं गाड़ी में बैठ गई, गाड़ी मेरी किराए की गाड़ी है, मैं रेंट पे गाड़ी लेकर चला। कुछ नहीं, मुझे नहीं पता कौन है, कहाँ से आई है, आई थी और इसने मुझे यहाँ चाकू मारा था। इसके पास में इतना बड़ा पतला सा वो था खंजर, बहुत पतला सा था, करीब होगा आधे इंची के आसपास, जैसे में गांव है ये। हाँ। इसने मारा और ऐसे भागी, मैं इसके गाड़ी छोड़ के पीछे पीछे आ रहा था, रोकने की कोशिश की तो फिर भागी मेरे पीछे, तो मैंने पत्थर उठाया था, तो फिर आ रही है, फिर इसने आस पास कहीं फेंका है और उसके बाद फिर मैं पकड़ने की कोशिश करते थे, मेरा मुंह ऐसे चीये नाखून मारा। बताया जा रहा है कि महिला को ना ही हिंदी भाषा आती है और ना ही इंग्लिश, ये महिला सिर्फ अरबी भाषा में बात करती है। हालांकि इस घटना के बाद मौके पर काफी भीड़ हो गई और 20 मिनट के अंदर इस महिला को पुलिस ने कंट्रोल करके हिरासत में ले लिया। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये महिला मिस्र की रहने वाली है, मगर इसके पास से अभी तक कोई भी दस्तावेज बरामद नहीं किए गए।